स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। ECHS की ओर से दो महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। पहला जो अपडेट है, ECHS कार्ड के जो मूल्य हैं उस वहाँ रिवाइज किए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है, जिसमें कि ECHS आधार ऑथेंटिकेशन किस तरह से उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, क्या आपको कार्रवाई करनी है, उसकी जानकारी आपको इस अपडेट के बाद मिलेगी। तो पहला अपडेट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS के द्वारा 12 मार्च 2024 को जारी किया गया है। ऑल रीजनल सेंटर्स को इसकी कॉपी भेज दी गई है और यहाँ पे सब्जेक्ट है रिवाइज्ड रेट प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड। जो 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड प्रिंट होते हैं उनके रिवाइज यहाँ पर उनके जो रेट हैं रिवाइज किए गए हैं। यहाँ पर कैटेगरी बताया गया है ओल्ड रेट क्या थे और नए रेट क्या तय किए गए हैं। न्यू 64 KB कार्ड फर्स्ट टाइम कोई मेंबर बन रहा है तो उनको पहले 177 रुपये देने होते थे, अभी उनको देने हैं 173.50 रुपये। चेंज इन डाटा 177 रुपये पहले देने होते थे, अभी 173.50 रुपये देने होंगे। ओल्ड 16/32 KB कार्ड ट्राइज स्लिप होल्डर के लिए 132.75 पैसे पहले देने होते थे, अभी 130.13 पैसे देने होंगे। लॉस ऑफ 64 KB कार्ड यदि हो जाता है आपका तो 53.10 पैसे पहले देने होते थे, अभी जो रिवाइज रेट है 52.05 रखा गया है। तो ये भी एक अपडेट है जो कि ECHS के द्वारा दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर है, जितने भी ECHS बेनिफिशरीज हैं जो कि अपना इलाज ECHS के माध्यम से कराना चाहते हैं या फिर इनपैनल्ड हॉस्पिटल के माध्यम से कराना चाहते हैं या करवाते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS एडिशनल जनरल ब्रांच MOD आर्मी के द्वारा 12 मार्च 2024 को लेटर जारी किया गया है। लेटर जो है जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ECHS के कमांड्स के उनको लिखा गया है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एट ECHS। ECHS में अब आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है, यानी कि जितने भी ECHS बेनिफिशरीज जो अपना इलाज ECHS के माध्यम से कराना चाहते हैं, इंपैनल हॉस्पिटल के माध्यम से कराना चाहते हैं, उनका अभी आधार ऑथेंटिकेशन होगा, यानी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP के माध्यम से जो इलाज करवा रहा है उसकी सत्यता की पहचान की जाएगी कि आखिर वही बंदा है या दूसरा है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो ये फ्रॉड है उसको उससे बचने के लिए या मिसयूज ऑफ ECHS सर्विसेज का उसको रोकने के लिए यहाँ सेवा शुरू की जा रही है। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया कि फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया था, जून 2024 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अप्रूव किया गया था। और जिसमें क्या क्या काम होते थे, ग्रांट ऑफ ECHS मेंबरशिप को लेने के लिए अवेलेबल ECHS फैसिलिटी इस ECHS पॉलीक्लिनिक सर्विसेज हॉस्पिटल एंड इंपैनल्ड हॉस्पिटल में जो भी ECHS फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करने के लिए यहाँ वॉलेंटरी तौर पर यहाँ पर लिया जाता था। उसके अलावा जो वेरियस अदर फंक्शंस हैं जिसमें कि क्लेम या फिर जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं उनको लेने के लिए अभी तक आधार नंबर का यूज़ किया जाता था। तीन नंबर पॉइंट में बताया गया है कि इसके बाद CACE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को UIDAI जो कि आधार से रिलेटेड वेबसाइट है द्वारा ECHS के लिए प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी यानी ये के रूप में नियुक्त किया गया था। यह वह एजेंसी है जिसके माध्यम से ECHS के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। दो फेस में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले जो फेस होगा जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ECHS बेनिफिशियरीज का किया जाएगा एंड न्यू ECHS एप्लीकेंट जितने भी हैं उनका यहाँ पर सभी का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि ECHS पैनल में शामिल अस्पतालों में जो OPD और IPD सर्विस है उसका लाभ उठाने के लिए ECHS लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण और जो बिल प्रोसेसिंग है उसमें यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। फेस नंबर जो टू होगा यहाँ पे बताया गया है कि
कि जो फेस नंबर वन है उसमें जो भी प्रोसेस है वहाँ कंप्लीट होने के बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर एवी लिंक सर्विस एट ECHS पॉलिक्लिनिक, यानी कि ECHS पॉलिक्लिनिक में सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया जाएगा सभी ECHS पॉलिक्लिनिक में। उसके बाद जो है एडिशनल वंस इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में एक बार अतिरिक्त आधार प्रमाणीकरण ECHS पैनलबद्ध अस्पतालों में भर्ती सभी ECHS लाभार्थियों का किया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेप वन यहाँ पे बताया गया, स्टेप टू और स्टेप थ्री। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अभी यहाँ पे जो चैलेंजेस आएंगी, जो चुनौतियाँ आएंगी, जिसमें बताया गया है कि इन केस ऑफ एनी इश्यू इनकाउंटर्ड ड्यूरिंग ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑथेंटिकेशन, फिजिकली वेरीफाइंग दी बेनिफिशरीज, यानी कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के मामले में प्रमाणीकरण के मौजूदा तंत्र का सहारा लिया जाएगा, यानी कि किसी भी पहचान दस्तावेज का उपयोग करके लाभार्थी का जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसी भी लाभार्थी को उपचार से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी जो दस्तावेज उनके द्वारा दिए गए हैं वहाँ प्रमाणित करने में विफल न हो जाए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्रिलिमिनरी एक्शन बाय रीजनल सेंटर्स स्टेशन क्वार्टर एंड पॉलिक्लिनिक, प्रारंभिक एक्शन है वहाँ रीजनल सेंटर्स स्टेशन क्वार्टर और पॉलिक्लिनिक के द्वारा क्या क्या लिया जाएगा। सात नंबर में है कि यहाँ जो यहाँ पे नीचे बताया गया है, यह एक्शन जो है 15 मई 2024 से पहले कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल बेनिफिशरीज आर रिक्वेस्टेड टू बी सेंसिटाइज अबाउट आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस, दी बेनिफिशरीज हैव टू बी टोल्ड टू अपडेट देयर आधार कार्ड एंड इंश्योर दैट इट इज लिंक्ड टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर, यानी कि जितने भी ECHS के बेनिफिशरीज हैं उनको अपना जो आधार कार्ड है वह रजिस्टर मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना होगा, इंश्योर करना होगा कि लिंक है, और नहीं है तो आप करवा सकते हैं जिससे कि आपको इस का लाभ मिलता रहे। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है जिसमें बताएगा कि ऑल इंपेंडेंट हॉस्पिटल आर एल्सो टू बी सेंसिटाइज, यानी कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को भी आधार ऑथेंटिकेशन सेवा के बारे में संवेदनशील बनाना होगा, जिससे कि ECHS जो एक मशीन आती है किसोक्स जिसके द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिसके द्वारा OTP जनरेट किया जाएगा, उसके बारे में इनको बताना होगा। और यदि यहाँ जो किसोक्स मशीन नहीं मिलती है तो NFC इनेबल मोबाइल नंबर के द्वारा इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। आठवां जो पॉइंट है, दिस लेटर में प्लीज़ बी डिसमिनेटेड टू ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर, यहाँ की यह जो लेटर है सभी स्टेशन हेडक्वार्टरों को प्रसारित किया जाए। तो बेसिकली यहाँ लेटर हेडक्वार्टर के द्वारा लिखा गया है जितने भी कमांड्स हैं, लेकिन हम सबको जानना जरूरी है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की सेवा शुरू होने वाली है, इस तरह का जो प्रोसेस है वहाँ शुरू होने वाला है, जिससे कि हम अपने जो आधार कार्ड है उसको मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसका बेनिफिट पूरा मिल सके। अभी तक इतना ही, जय हिंद।